नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये वाला कंपोनेंट, इसे हम कहते हैं विंग नट। इससे पहले भी आप मेरे 5 वीडियोस में इस कंपोनेंट को बना चुके हैं। हमने ये कंपोनेंट क्रियो पैरामेट्रिक केटिया V5 ऑटोडेस्क इन्वेंटर और उसके अलावा सॉलिड वर्क इन सब और ऑटोकैड, इन सभी सॉफ्टवेयर पर बनाया। आज हम ये कॉम्पोनेंट बनाएंगे एनएक्स पर। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। देखिए किस मेथड से हम इस कंपोनेंट को बनाते हैं। मैं पहले तो ये फाइल क्लोज कर देता हूं यहां से। इसके बाद मैंने एक नई फाइल ओपन की। देखिए ये विंडो आती है मेरे सामने, मॉडल यहां पर सेलेक्टेड है पहले से। यहां से मैंने ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए स्क्रीन खुलकर सामने आती है। तो यह हमें करना क्या है, देखिए पहले तो मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया। देखिए जैसे ये प्लेन आपको नजर आ रहा है, नीचे वाला एक्स वाई प्लेन ऑफ डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने इस प्लेन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। तो देखिए ये प्लेन घूमकर मेरे सामने आ गया। अब मैं इस पर एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल कमांड पर क्लिक किया, उसके बाद एक क्लिक यहाँ पर किया ओरिजिन पर, और देखिए इसके बाद बाहर जाकर एक क्लिक किया, एक सर्कल बन गया। इसका ये डायमेंशन को मैं ट्रैक करके बाहर लेकर आ रहा हूँ और इसे चेंज करके मैं करता हूँ 22। ये ऑब्जेक्ट जो है इसका डायमीटर, ये सर्कल का जो है डायमीटर, ये 5 mm है। इसके बाद मैंने फिनिश स्केच पर क्लिक किया, ये स्केच फिनिश हो गया। इसके बाद मुझे एक प्लेन ऑफसेट करना है, तो मैं डेटम प्लेन ये कमांड मैंने यूज किया और इसी एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। अब इसी प्लेन के पैरेलल एक प्लेन मुझे 15 mm की डिस्टेंस पर ऑफसेट करना है। तो यहाँ से देखिए जैसे ही मैंने इस प्लेन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू देनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पहले से रखी हुई है। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया, तो ये दूसरा प्लेन देख रहे हैं कि आप यहाँ पर 15 mm के डिस्टेंस पर एक पैरेलल प्लेन क्रिएट हो गया। अब हम इस पर स्केच बनाएंगे, तो मैंने स्केच पर फिर से क्लिक किया, इस बार ये प्लेन सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। तो देखिए ये घूम कर मेरे सामने आ गया। अब फिर से मैंने सर्कल कमांड पर क्लिक किया, एक क्लिक सेंटर पे यहाँ ओरिजिन पर किया और एक क्लिक बाहर किया। अब इस सर्कल की डायमेंशन देखिए ये क्या आ रही है। एस्केप की दबाकर मैं कमांड से बाहर निकलता हूँ पहले, फिर इसकी डायमेंशन को ट्रैक किया, ये दिखा रहा है 15.5। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो देखिए इसको मॉडिफाई करने के लिए ये बॉक्स निकल कर आता है। इसमें मैं अब वैल्यू दे रहा हूँ कितनी, 17। मैंने टाइप किया 17 और क्लोज कर दिया। तो ये सर्कल जो है दोस्तों 17 का बन गया। अब हम इसे घुमा कर देखते हैं। देखिए स्क्रॉल की को पुश किया और घुमा कर इसे देखा हमने, तो ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है। यहाँ से फिनिश स्केच पर क्लिक किया, तो ये 2 स्केच बन गए हमारे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं कर्व पर क्लिक करता हूँ, कर्व के बाद ये लाइन पर क्लिक करता हूँ। ये 3D लाइन है, ये 2D लाइन नहीं है, ये किसी भी प्लेन पर आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए इस पॉइंट पर एक्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आया। इसके बाद मैं इसके सेंटर पर देखिए क्लिक कर रहा हूं और यहां से अप्लाई और इसके बाद कैंसिल। देखिए ये एक लाइन बन गई, ये हमारे लिए गाइड कर्व का काम करेगी। अब यहां से मैं होम पर जाता हूं, होम के बाद देखिए यहां मोर पर जाने के बाद मैंने स्वेप्ट पर क्लिक किया। स्वेप्ट कमांड हम यहां यूज करेंगे, सेलेक्ट कर्व। अभी देखिए ये पोर्शन जो है आपको ऑरेंज कलर से नजर आ रहा है, तो मैंने यानी कि ये एक्टिव है कर्व हमारे लिए, पहला कर्व ये है। दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें ये जो डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कॉमन होना चाहिए हर एक सेक्शन के लिए। तो पहला सेक्शन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये पहला कर्व सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट दूसरा कर्व नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे एड न्यू सेट पर। एड न्यू सेट पर क्लिक करने के बाद हमने ऊपर देखिए इस कर्व को भी सेलेक्ट किया, इसे हम कर्व कहेंगे और अलग सॉफ्टवेयर में भी ये कमांड होती है, वहां पर हम इसे सेक्शन कहते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से सेलेक्ट कर्व, देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कर्व हमारे लिए ये, तो देखिए प्रीव्यू में आपको नजर आने लगा। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से देख रहे हैं आप, ये तैयार हो। इसके बाद आगे का काम हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रूड कमांड यूज करनी है, क्योंकि इसके नट के जो है हमें विंग्स बनाने हैं। एक्सट्रूड पर गए, एक्सट्रूड पर जाने के बाद देखिए स्केच सेक्शन, फिर यहाँ से प्रॉम्प्ट आता है आपके सामने के प्लेन सेलेक्ट करने के लिए। तो ये प्लेन हमने ले लिया, एक्स जेड प्लेन ऑफ डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से ओके पर क्लिक किया, देखिए घूम कर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, आप देखिए साइड में मैंने एक सर्कल बनाया अंदाजे से, इसके भी कोई डायमेंशन नहीं दी है। अब देखिए
पहले तो इस सर्कल के डायमीटर को हम चेंज करके कर देंगे 18। इसके बाद क्लोज। अब देखिए ये जो डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है, ये सेंटर से इसके सेंटर तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये होना चाहिए कितना, 18। और क्लोज किया यहां से, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस यहां से नजर आ रहा है ये भी हम ले लेते हैं 18। अब इसके बाद देखिए यहां से क्या करना है, यहां से मैंने ये प्रोफाइल पर क्लिक किया। अब जब भी आप यहां से कुछ बनाएंगे तो देखिए बहुत थोड़ा सा इसे जूम करना है, हमें ये पॉइंट चाहिए। देखिए जब तक यहां पर ये पॉइंट हाईलाइट नहीं होगा, ये देखिए ये पॉइंट हाईलाइट हो गया, कॉर्नर पॉइंट, यहां पर हमने क्लिक किया पॉइंट ऑन कर्व। इसके बाद देखिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉप करेंगे हम पॉइंट ऑन कर्व, ये देखिए ये ऑप्शन आता है, हमने ये टेंजेंट ड्रॉप किया। इसके बाद यहां पर भी हम इसी तरीके से जैसे ही ये पॉइंट देखिए हाईलाइट हुआ, मैंने क्लिक किया पॉइंट ऑन कर्व, और इसके बाद देखिए इस पर भी हमें एक टेंजेंट ड्रॉप कर, ये टेंजेंट ड्रॉप हो गया। अब यहां से देखिए क्विक ट्रिम आपको नजर आ रहा है, तो मैंने इस हिस्से को ट्रिम करके हटा दिया। अब इस पूरे प्रोफाइल को मुझे इस साइड पर मिरर करना है, तो यहां से देखिए मैं जा रहा हूं मिरर कर्व, और एक एक करके मैंने ये देखिए एक साथ ये तीनों सेलेक्ट हो गए यहाँ पर, तो ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्लिक किया। इसके बाद सेलेक्ट सेंटर लाइन, अब देखिए ये वाई एक्सिस का जो ये है वर्टिकल एक्सिस, इसे मैंने सेलेक्ट किया। देखिए ये प्रीव्यू यहाँ पर आपको नजर आने लगा, ओके एंड अप्लाई। इसके बाद प्रोफाइल पर जाते हैं फिर से। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देता हूँ, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया। एक कनेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान देना, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ पहले ही मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल जेड दबाया मैंने, अब मैं इसे फिर से बना रहा हूँ। ये छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं आपसे। ये देखिए इस पॉइंट से आप चले थोड़ा सा जूम कर लें, और इस पॉइंट को आपने पिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। इसके बाद फिनिश पर क्लिक किया, देख कुछ ऐसा नजर आ रहा। यहां से हम लेंगे सिमेट्रिक, और यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2, और इसको हम यूनाइट कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए ये ऑलरेडी ये सेलेक्ट हो गया। अब यहां से हम अप्लाई, अप्लाई के बाद ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपको बना हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक होल बनाते हैं यहां से, तो एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इसके बाद स्केच सिलेक्शन, फिर इसके बाद इस कंपोनेंट के इस फेस पर देखिए ये फेस को मैंने प्लेन की जगह पर यहाँ पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, ओके। इसके बाद एक सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पर, सर्कल कमांड में गया, देखिए इसका सेंटर जैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देगा मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद बाहर कहीं पर क्लिक किया। अब इस सर्कल के डायमीटर को हमें करना कितना करना है, ये करना है 12, ओके 12 करके यहाँ पे हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ से फिनिश स्केच, और इसका डायरेक्शन हमने ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएंगे, और यूनाइट की जगह सब्ट्रैक्ट यूज किया, और अप्लाई करके देखते हैं, हाँ सही आ रहा, और कैंसिल, ये होल हो गया। इस होल के बाद अब हमें इसमें थ्रेड्स बनाने, तो थ्रेड्स इसमें बनाना सबसे आसान है। अब तक आपने सॉलिड वर्क्स में देखा, इन्वेंटर में देखा, और भी कई सॉफ्टवेयर्स आपने देखे, तो इसमें थ्रेड बनाना सबसे आसान है। देखिए कैसे, मोर पर जाते हैं, यहाँ पे ये कमांड है थ्रेड। इसके बाद डिटेल्ड, देखिए ये ना सिम्बोलिक अलग है, डिटेल्ड अलग है, तो हम डिटेल्ड पर जाकर पहले तो इस सर्फेस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनर डायमीटर जो है वो 12 दिखा रहा, तो हम इसको 13 ले लेते हैं। पिच हमने 2 की जगह ले लिया 1.75, और यहाँ से सेलेक्ट स्टार्ट, और यहाँ पर हमने इस सरफेस पर क्लिक किया, ओके यहाँ से फिर हमने ओके किया और अप्लाई करते हैं अभी से, तो देखिए आपको थ्रेड्स नजर आने लगे, देख रहे हैं दोस्तों। इसमें यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया, ये थ्रेड्स बनाना NX में सबसे आसान है अभी तक आपने जो देखा होगा, मुझे भी सबसे आसान लगा इसी सॉफ्टवेयर में।
बाकी सब में बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं, सेक्शन बनाकर हमें स्ट्रीक कट करना पड़ता है, उसके बाद हमें थ्रेड नजर आता है। ऑटो कैट में तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें प्रोफाइल को स्वीप करा के हेलिक्स बनाकर उसमें, और उसके बाद हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल है बिल्कुल, एक थ्रेड कमांड अलग से दे रखी है। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो थोड़े थोड़े शार्प एजेस आपको नजर आ रहे हैं जरूरत, उन्हें हमें जो है रिमूव करना है। उसके लिए एज ब्लेंड यहाँ क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं वन, वन टाइप करके एंटर किया। ये सर ये वाला एज, ये एज, ये एज और ये एज, इन चारों को लिया और अप्लाई कर, देखिए ये नजर आने लगा। इसके बाद हम वैल्यू लेते हैं 0.5, 0.5 की वजह से वन ही ले लेते हैं। अब इस एज पर यहाँ किया और इस एज पर और अप्लाई कर, ठीक है। अब इस तरह से आपको नजर आ रहा है। अब यहां से हम ले लेते हैं वैल्यू 0.5 और ये एजेस जो नजर आ रही हैं, और यहां से हमने अप्लाई किया और ये एजेस भी जो है आपकी रिमूव हो गई, तो कैंसिल पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये विंगनट यहाँ पर आपको बनकर नजर आ रहा है। यहाँ से मैं इसे और अच्छे से देखने के लिए क्या करते हैं कि कुछ चीजें इसकी जो है वो हाइड कर देते हैं। डेटम प्लेन हाइड कर दिया, स्केच लाइन और राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। अब देखिए ज्यादा अच्छे से नजर आ रहा। तो दोस्तों ये था विंगनट इन एनएक्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे इसी तरह से और भी कई वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।